डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो को गाजियाबाद नगर निगम का 54 करोड़ से अधिक का सर्विस टैक्स बकाया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की सीमा में वर्ष 2011 में सबसे पहले वैशाली और कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन बने थे। उसके बाद वर्ष 2019 में 8 अन्य मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो गए थे। तब से अब तक दिल्ली मेट्रो ने नगर निगम का सर्विस चार्ज नहीं चुकाया है। गाजियाबाद नगर निगम ने डीएमआरसी को नोटिस भेजा है। नोटिस में 54,56,941 रुपये का बकाया बताया गया। दरअसल गाजियाबाद नगर निगम का कहना है कि वह डीएमआरसी से किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वह उससे सर्विस चार्ज वसूल सकता है। नगर निगम का दावा है कि मेट्रो स्टेशन के पास सड़क सीवर लाइट का जिम्मा उनके पास है और जिसके चलते उसका सर्विस चार्ज बनता है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में वर्ष 2011 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। उस दौरान वैशाली और कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन बन गए थे। उसके बाद एक दूसरी मेट्रो लाइन पर 8 मेट्रो स्टेशन बने थे जो कि वर्ष 2019 से संचालित होने शुरू हो गए थे। ऐसे में वर्ष 2011 से अब तक डीआरएमसी ने नगर निगम का कोई भी सर्विस चार्ज नहीं दिया है। शासनादेश जारी किया गया है कि जो केंद्र सरकार की संपत्तियां हैं उसे हम लोग सर्विस चार्ज लेंगे, तो सर्विस चार्ज के लिए उनको नोटिस दी गई है। वो टैक्स का हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था कि आप अपना क्षेत्रफल बतलाइए कि कितने कितने कवर्ड एरिया, कितने ओपन एरिया है, कितने प्लॉट एरिया है। इन्होंने खुद प्रोवाइड कराया था, इनकी संस्था ने डीएमआरसी ने मुझे प्रोवाइड कराया कि इस मेट्रो स्टेशन का इतना कवर्ड एरिया है, इतना प्लॉट एरिया है, इतना बिल्डअप एरिया है। उसी के आधार पर जो अधिनियम में हमारी व्यवस्था है, जो नियमावली में व्यवस्था, उसके अनुसार जो है सर्विस चार्ज का कैलकुलेशन करके इनको भेजा गया था।